जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ RSCIT एग्ज़ाम पेपर 10 मार्च 2024 आंसर की के बारे में, जहाँ पर जो आपका पेपर हुआ है 10 मार्च का, इसके सभी क्वेश्चन एंड आंसर आपको इस वीडियो के अंदर दिए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो देखने के बाद में इस आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने सवाल सही आए हैं वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। एंड अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट हो, जो मैंने आंसर दिया हो वो सही ना लगे आपको और आपने जो आंसर दिया है वो सही लगे, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं गाइस। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि एग्जाम आपका 10 मार्च 2024 को हुआ है, टोटल क्वेश्चन इसमें 35 है। एग्जाम ऑर्गेनाइजर आपका VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है। तो चलिए अब यहां पर इसके सवालों के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल है कि किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग जाता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि Ctrl+C और Ctrl+V। सवाल नंबर दो है, डैश चार्ट के कॉलम चार्ट के समान है, केवल अंतर यह है कि डाटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बार। सवाल नंबर तीन है, MS Word 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग है। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि यह चयनित टेक्स्ट के माध्यम से होकर एक रेखा खींचता है। सवाल नंबर चार है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइल नामों के संबंध में गलत है। तो राइट आंसर है बी, यानी कि एक ही फोल्डर की प्रत्येक फाइल का एक अद्वितीय नाम होना चाहिए। सवाल नंबर पाँच है, डैश डोमेन नाम उदाहरण के लिए www.vmou.ac.in को IP पते में अनुवादित करता है, जिसे कंप्यूटर और राउटर समझते हैं। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि DNS डोमेन नेम सर्वर। सवाल नंबर सिक्स है, आप MS Word 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को स्विच कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ए, यानी कि ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके। सवाल नंबर सात है, आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट डेटा संचारित करने के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है। तो राइट आंसर है ए, यानी कि ब्राउजर विंडो में पैडलॉक या वेब पते की शुरुआत में HTTPS देखें। सवाल नंबर आठ है, प्रेजेंटेशन डैश का संग्रह है। तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि स्लाइड्स। सवाल नंबर आपका नौ है, वायरस ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है डी, यानी कि कंप्यूटर पर मौजूद हानि रहित अनुप्रयोग। सवाल नंबर 10 आता है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। सवाल नंबर 11 है, आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 12। सवाल नंबर 12 है, MS Word 2010 में गटर किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि मार्जिन। सवाल नंबर 13 है, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। तो आपका राइट आंसर है यहां पर ए, यानी कि वह स्थान जहां भेजा हुआ ईमेल रखा जाता है। सवाल नंबर 14 है, मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। MS Excel 2010 के किस फीचर का उपयोग किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है सी, यानी कि फिल्टरिंग। सवाल नंबर 15 है, डैश विकल्प प्रोजेक्टर को विंडोज 10 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चीज और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी के एक्सट्रेंड। सवाल नंबर 16 है, आपके पास छात्रों के नाम और उनके संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटा सेट है। आप यह जानना चाहते हैं कि कितने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। आप किस MS Excel फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि CoUNTIF। सवाल नंबर 17 है, भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है, इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि भारतीय IT अधिनियम 2000। सवाल नंबर 18 है, विंडोज 10 में कौन सी अतनिहित बिल्ट इन उपयोगिता उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी भी के स्क्रीन शॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने वस्तु की अनुमति देती है। यहाँ पर मुझे लगता है कि सवाल सही से नहीं लिखा गया, इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि पहले क्या लिखा है कि क्या।
तो इस वजह से माफ़ कीजिएगा, इसका जो 18 का राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि स्प्रिंग टूल। सवाल नंबर 19 है, बी आई ओ एस का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, तो राइट आंसर है बी, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सवाल नंबर 20 है, एम एस वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोले, तो राइट आंसर है डी, यानी कि कंट्रोल कुंजी दबाए और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। सवाल नंबर 21 है, सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है, तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि टाइटल बार। सवाल नंबर 22 है, आईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। सवाल नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपका फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में किया जाता है, तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि जीपीएस। सवाल नंबर 24 है, एमएस वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराई गई विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार। सवाल नंबर 25 है, ईमेल अटैचमेंट क्या है, तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज। सवाल नंबर 26 है, अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना कहलाता है, तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि बेसवैप। सवाल नंबर 27 है, डैश में अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि रैम। सवाल नंबर 28 है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि आईपी पता। सवाल नंबर 29 है, एक वेबसाइट डैश का संग्रह है, तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि वेब पृष्ठ। सवाल नंबर 30 है, एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है, तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि यूपीएस। सवाल नंबर 31 है, राजस्थान सरकार द्वारा की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है, तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि राज इवोल्ट। सवाल नंबर 32 है, क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन से है, तो राइट आंसर है आपका वैध उदाहरण, तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। सवाल नंबर 33 है, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए, तो राइट आंसर है आपका बी, तो आप यहां पर इसका सही ये जो आंसर है वो सही है। सवाल नंबर 34 है, फाइलों की को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को हे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, या फिर ये कह लीजिए, तो इसका सवाल आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बर्न करना। सवाल नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि स्कैनर। तो गाइज यहां पर मैंने आपके इन सभी क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं, आई होप आपको यहां पर आपके आंसर मिल गए होंगे। अब इस आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने आंसर सही आए तो कमेंट के माध्यम से वो बताना जरूर, एंड अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो वीडियो से जुड़ा हुआ, इस आंसर की से जुड़ा हुआ, तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।